जो सारा सेक्शन सिंगल लाइन है। जम्मू तवी की तरफ और ये वाला ट्रैक निकल गया लुधियाना, नॉन रिपोर्टिंग स्टेशन है नॉन, और ये है कैम्ब के बीच अमृतसर जो दिल्ली एक्सप्रेस वे बन रहा। स्टूडेंट्स भी कुछ डी बोर्ड हुए हैं, निकल जाता है जो सामने आप जनरल टिकट का। कितने शानदार लग रहे हैं ये मरे भाई, रेस्ट करते हैं। लो जी दो यहाँ पे खड़ी है अमृतसर। जैन साथियों, जस्ट फ्यूचर निकल के एक और नए मज़ेदार सफ़र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि भारत का एकमात्र जो सेक्शन है सिंगल लाइन सेक्शन है, मतलब किसी भी सेक्शन पे इसकी दो लाइनें नहीं है। तो सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए अपने व्यूवर्स के लिए। और अभी हम आ चुके हैं जलंधर सिटी, तो आप ये देख सकते हैं अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क कर दिया गया और सामने आप देख सकते हैं रेलवे का कोई प्रोग्राम हो रहा है। कोई रिटायरमेंट प्रोग्राम था, वो अभी ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है जलंधर सिटी का जो मार्केट है, स्टेशन की आउटर एरिया उसका है। और दोस्तों, हमारे शानदार तिरंगे झंडे के लिए एक लाइक ज़रूर करें। और सामने आप देख सकते हैं जलंधर सिटी स्टेशन। मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेशन के बाहर का एरिया भी अपने व्यूअर्स के लिए दिखा दूं। यहाँ पे पार्किंग है और यहाँ पे कार पार्किंग है। और सामने दोस्तों जलंधर सिटी का स्टेशन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई गाड़ी आई है तो काफ़ी रश हो चुका है। और यहाँ पे ऑटो वगैरह आपको स्टेशन के बाहर भी मिल जाएंगे, ओला वगैरह भी आप बुक कर सकते हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का सफ़र अपना जो होगा DEMU ट्रेन में होगा, सिंगल लाइन सेक्शन है। और ये सफ़र अपना होगा जलंधर सिटी से लेकर नकोदर के बीच में। और आपको नकोदर की क्या खासियत है वो भी हम आपको बताएंगे, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें। और ये आप एंट्रेंस देख सकते हैं जलंधर सिटी स्टेशन, सामने आप जनरल टिकट काउंटर देख सकते हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन होती हैं। और अभी हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ पे खड़ी है अमृतसर टाटा नगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है, राजधानी स्टाइल लग रही है। जलंधर सिटी से अभी हमने चाय ले ली है, चाय देखने में तो बढ़िया लग रही है क्योंकि अभी 2 बजे हैं, तो अपनी गाड़ी 2:50 पे है। तो मैंने सोचा कि अब अक्टूबर का महीना आ गया है, चाय का मज़ा लिया जाए। तो अभी हम इसको पिएंगे और बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों, टेस्ट तो ठीक है, बढ़िया है, गर्म भी है। और सामने से निकलती हुई अमृतसर टाटा नगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। अपनी गाड़ी इस पार्ट नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी और इस प्लेटफॉर्म मतलब जो भी गाड़ी यहाँ पे आती है उसको 2 प्लेटफॉर्म लग जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट। दो बज के 50 मिनट पे अपनी जलंधर सिटी नकोदर DEMU जलंधर सिटी से डिपार्चर लेती हुई और अपना सफ़र अब शुरू हो चुका है। यहाँ पे 2 WAG-5 खड़े हैं, गुड्स लोकोमोटिव है। अपनी गाड़ी का जो डिस्टेंस है जलंधर से नकोदर 32 किलोमीटर की है अपनी जर्नी रहेगी। दोस्तों, जलंधर से नकोदर तक जो सारा सेक्शन सिंगल लाइन है, मतलब जो स्टेशन भी है ना उस पर भी सिंगल लाइन है, मतलब
यहाँ से जो गाड़ी जब तक नकोदर नहीं पहुँच जाएगी, नकोदर की तरफ से दूसरी कोई गाड़ी नहीं आएगी। मतलब इंडिया का ही ऐसा सेक्शन है कि जब तक गाड़ी जो चली है जहाँ से, अगर नकोदर से चली है जलंधर पहुँचगी, तभी जलंधर से नकोदर के लिए दूसरी गाड़ी जाएगी। और अभी आपको हम इधर से दिखाए थे जलंधर सिटी, ये जलंधर सिटी में डीएमयू ट्रेन्स की शेड भी है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। जलंधर सिटी में ऑटोमेटिक वॉशिंग ट्रेन जो वाली मशीन्स है वो देखिए इंस्टॉल कर दी गई हैं। डीएमयू ट्रेन्स की जो भी है वॉशिंग होगी अब इस मशीन से होगी। और ये आप देख सकते हैं लास्ट वाला ट्रैक जम्मू तवी की तरफ, और ये वाला ट्रैक निकल गया लुधियाना की तरफ, और अपनी गाड़ी अब टर्न ले रही है नकोदर की तरफ। ये देखिए दोस्तों, पेड़ एकदम पास पास है। ओ ये देखिए, ये इन चीजों से भी बचना होता है। अभी अपनी जो ट्रेन का जो फेयर है वो लगा जलंधर सिटी से लेके, वो लगा 10 रुपये। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, जब कभी आप ट्रेन में ट्रैवल करें टिकट ज़रूर लें। और ये जलंधर सिटी के बीच में से अपनी ट्रेन निकलेगी। इसमें जो स्टेशन बीच में पड़ेंगे वो सारे नॉन रिपोर्टिंग स्टेशन हैं। नॉन रिपोर्टिंग स्टेशन ये कि वहाँ पे स्टेशन मास्टर के सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती, मतलब सीधा गाड़ी गई रुकी होंकिंग दे के चल पड़ती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल लाइन सेक्शन है, मतलब जब तक अगर एक स्टेशन से जलंधर से लेकर नकोदर तक ट्रेन पहुंच नहीं जाएगी तो नकोदर की तरफ से कोई ट्रेन नहीं आएगी। और ये आप देख सकते हैं जलंधर सिटी का एरिया, इसको लाडो वाली रोड कहते हैं। और अपना जो नेक्स्ट हॉल्ट है लाहौरपुर खालसा कॉलेज हॉल्ट है। और दोस्तों इस ट्रेन की मैं बात करूं कि अगर नकोदर में डेरा बाबा बराज शाह जी के किसी ने जाना है और बाय ट्रेन वो जाना चाहता है तो जलंधर सिटी आ जाए, और जलंधर सिटी से आपको डीएमयू ट्रेन 4-5 चलती है पूरे दिन में, तो उसको पकड़ के नकोदर पहुंचा जा सकता है। और वैसे जम्मू वाली ट्रेन जलंधर कैंट से कट जाती है तो बाई बस भी आप जा सकते हैं। ट्रेन से यह है कि जलंधर सिटी से लेकर नकोदर के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। और सामने आता हुआ लाहौरपुर खालसा कॉलेज का हॉल्ट, और यह जलंधर सिटी का मेन हाईवे देखिए, हॉल्ट आपको दिखा देते हैं कुछ ऐसा है। LKC हॉल्ट, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स है बोर्ड करेंगे इस ट्रेन को, बहुत कन्वीनियंट है ट्रेन स्टूडेंट्स के लिए भी, मॉर्निंग में पढ़ने के लिए इस ट्रेन को यूज़ करते हैं, और अभी जब छुट्टी हो गई तो इस ट्रेन से अपने घर वापस जा सकते हैं। ये देखिए उस तरफ तो प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, ये है सिंगल लाइन सेक्शन कि स्टेशन पे कोई लूप लाइन नहीं है। और मैं आपको हर स्टेशन के दोनों तरफ आपको दिखाऊँगा। अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है,
और ये जो रोड है ये निकल जाता है बस स्टैंड की तरफ, वो सामने अपनी गाड़ी अब टर्न लेती हुई, इसके बाद अब अपनी गाड़ी रुकेगी जमशेद खास स्टेशन पे। और ये है कैम्ब्रिज स्कूल, ये जो सामने घर हैं इनको एक फ़ायदा है कि ट्रेन देखने के लिए इनको स्टेशन पर नहीं जाना पड़ता होगा, इनके सामने से ट्रेन निकलती है और एक पार्क बना हुआ है। और किस किस को अच्छा लगता है कि घर के पास से ट्रेन निकले देखना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। छोटा सा बच्चा बीड़ी पी रहा दोस्तों, और अपने तिरंगे झंडे के लिए एक लाइक जरूर करें। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है किस चीज़ की, मे बी अंडरपास, मेरे को तो अंडरपास लग रहा है। ये देखिए अंडरपास की कंस्ट्रक्शन हो रही है, देखिए बीच में डिवाइडेशन भी करी हुई है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई ऐसा अंडरपास कि बीच में डिवाइडर बनाया हुआ है। पहले यहाँ पे ना नाला होता था, नाला अब लगता बंद कर दिया गया है। ये जो एरिया है ये तकरीबन पड़ जाता है अर्बन स्ट्रीट की साइड का पड़ जाता है, और यहाँ पे TSR लगी है 10 की स्पीड की। और अपनी ट्रेन देखिए, ये कुछ इंटीरियर है, ये सीट है, कुशनिंग ठीक है दोस्तों, बढ़िया है, साफ सफाई पूरी है, और सामान रखने के लिए शेल्फ दी हुई है, फैंस वगैरह लगे हुए हैं। और अपना कोच जो है 2003 की मैन्युफैक्चरिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए 03 लिखा हुआ ना, यानी कि 21 साल हो गए अपने कोच को बने हुए। ये जो आप देख रहे हैं ये है कटरा अमृतसर, जो दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका, ये देखिए। बहुत ही शानदार तरीके का एक्सप्रेसवे बन रहा है ये, और इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से कटरा अमृतसर की दूरी में जो समय लगता है बहुत ही कम लगेगा। और ये आ चुका है जमशेद खास स्टेशन, और स्टेशन बिल्डिंग देखिए। और यहाँ पे तो कोई भी पैसेंजर नहीं है बोर्ड करने को प्लेटफॉर्म साइड, अभी मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। और ये आप देख सकते हैं कोई भी लूप लाइन नहीं है, और सामने आप ये देख रहे हैं ये जमशेद डेयरियाँ हैं, यहाँ पे पशुपालन का उद्योग होता है, यहाँ पे
यहाँ पे कुछ लोग उतरे हैं, ये जमशेर का स्टेशन, स्टूडेंट्स भी कुछ डी बोर्ड हुए हैं और ये रेलवे क्वार्टर्स हैं जो यहाँ का एम्प्लॉय स्टाफ है। ये एक बाईपास रोड है जो कैंट स्टेशन से निकल जाता है अपना मोगा हाईवे की तरफ, इधर की तरफ हो ये आप देख सकते हैं, ये सीधा निकल जाता है जो जलंधर मोगा हाईवे है, जो कि बठिंडा हाईवे भी कहते हैं जिसको, शॉर्टकट रूट है जमशेर से दीपनगर प्राग को जिनको भी जाना हो बारो बारी इस रूट से निकल जाते हैं। रेलवे लाइन के साथ रोड, तो मैंने पीछे फिरोजपुर पटना के फर्स्ट रन में भी आपको ये सीन दिखाया था, आप जाके देख सकते हैं, लास्ट वीक मैंने डाला था 9 अक्टूबर को, पर अब ये रोड वहाँ चली गई है दूर हो बट जी थंबाल के। और आप ये देख सकते हैं यहाँ से भी लोग उतरे हैं, चढ़े तो नहीं है, कुछ इस प्रकार से है थंबालके का स्टेशन। जो पैसेंजर्स हैं यहीं पे डी बोर्ड कर गए हैं, वो मोस्टली स्टूडेंट्स ही हैं, बड़े कन्वीनियंट है क्योंकि अभी कॉलेज का मतलब छुट्टी होगी होनी तो LKC से पैसेंजर चढ़ें। आपको मैंने प्लेटफॉर्म साइड दिखा दी है, अब मैं आपको दूसरी साइड दिखा दूँ कि यहाँ पे दूसरी साइड कोई लाइन नहीं है, ये देखिए थंबालके से अपनी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है। और यहाँ पे पेड़ देख सकते हैं कितने शानदार लग रहे हैं, हरियाली देखिए बहुत अच्छा एहसास आ रहा है। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकें लगाएं, अपने वातावरण की शुद्धता के लिए, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए। इसके बाद अपना लास्ट स्टॉप आएगा शंकर, फिर उसके बाद सीधा नकोदर जंक्शन। अरे हमारे भाई रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, कहते मैंने टिकट ली है फुल एंजॉय करना है। देखो लो जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं शंकर। ये स्टेशन थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़े बिल्डिंग्स वगैरह ज़्यादा, शेड भी है। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ही डी बोर्ड कर रहे हैं। ये है शंकर स्टेशन का प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे देखिए कोई भी लाइन नहीं है, और ये क्वार्टर्स हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले ही कि जलंधर सिटी से लेकर नकोदर तक जितने भी स्टेशन है नॉन रिपोर्टिंग है, सिंगल लाइन है, मतलब देर इज़ नो लूप लाइन इन दिस सेक्शन। तो मैंने आपको लाइव दिखाया वीडियो में, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वही मैंने आपको लाइव दिखाया। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताएं। और नेक्स्ट स्टॉप अपना है नकोदर जंक्शन। अभी हम पहुँचने लगे हैं नकोदर जंक्शन पे, तो सामने वाला आप रूट देख पा रहे होंगे, ये वाला रूट, ये आ रहा है फ्लोर की तरफ से जो कि आगे निकल जाता है लुधियाना की तरफ, जो अपनी फिरोजपुर धनबाद गंगा सतलुज एक्सप्रेस है
वो लोहिया से बोधर आगे फ्लोर की तरफ इसी रूट से जाती है। चार बजे यही अपनी गाड़ी जलंधर सिटी के लिए भी रिटर्न जाएगी। यहाँ का स्टेशन कोड है NRO। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहता था कि नकोदर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि एक रूट जलंधर सिटी की तरफ से आता है जो इससे हम आए हैं, एक ये वाला रूट जो कि फ्लोर की तरफ निकल जाता है, और एक ये सीधा ये फिरोजपुर की तरफ निकल जाता है वाया लोहिया खास होते हुए। और नकोदर जंक्शन पे अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है, तो एंजॉय कीजिए DMU ट्रेन का नकोदर जंक्शन पे अराइवल। सामने एक और प्लेटफॉर्म है, वो शायद बड़ी ट्रेन्स के लिए होगा, और जलंधर के लिए शायद अपना राइट साइड प्लेटफॉर्म आ रहा है, दिख तो रहा है सामने, बट उस लाइन पे मैं सोचा यहाँ से लिया जाएगा बट नहीं लिया गया। मतलब एक लाइन में दो प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये था अपना जलंधर सिटी से लेके नकोदर जंक्शन तक का अपना DMU ट्रेन में सफ़र। आप सभी को ये सफ़र कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और कुछ इस तरह से अपनी ट्रेन आप ये देख सकते हैं, चार कोचिस की है। अब यही ट्रेन अब रिटर्न जाएगी जलंधर सिटी की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नकोदर जंक्शन पर इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, ये देखिए कि यहाँ से मलसिया शाहकोट मुल्लेवाल खैरा सिद्धड़ लोहिया खास के लिए गाड़ी बदलें। आप ये पढ़ सकते हैं इत्थों मलसिया शाहकोट मल्लेवाल खेरा सिद्धड़ लोहिया खास ले गड्डी बदलो। ये अपना प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए सफ़र में, एक नए ब्लॉग में। थैंक यू, जय हिंद। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं।